जयंत सतिया, SSCET 2023 का कट ऑफ के वीडियो तो हमने पोस्ट किया, तो इस बार है मेडिकल टेस्ट। तो फिजिकल में तो पास करने के बाद आपको मेडिकल में बुलाया जाएगा। तो मेडिकल टेस्ट क्या क्या होता है आप ध्यान से सुनो, और मेडिकल के लिए आपने आपको अब से तैयारी करो, नहीं तो बहुत सारे साथियों एग्जाम पास कर चुके, एग्जाम के बाद फिजिकल में पास कर चुके, लेकिन मेडिकल में कट ऑफ पड़ जाता। तो ऐसा अगर हो जाता तो आप ये वीडियो देखें और अपने मेडिकल के लिए तैयारी करें। मेडिकल में पहले से बहुत सारे साथियों, देखो पहली बात, नदी के बाली में दौड़ते हैं और टायर लेकर भी दौड़ते हैं, तो ऐसा दोनों काज आप मत करो, क्योंकि हमारे लेग में सीन पेंस हो जाता है, पैर बहुत दर्द हो जाता है, और अपना सिरा जो है ना, सिरा इस तरह सिरा बहुत ही मोटा और तगड़ा पूरा हो जाता है, तो उसका मेडिकल में कैंसिल कर दिया जाता है। हमारे नेक्स्ट है आँख कान दांत, तो अपने दांत को बिल्कुल फ्रेश रखना है, और अपने आई ब्रूज को, आई का जितना भी आप टीवी कम देखें और अपना लाइट में मोबाइल कम कर ही देखें, क्योंकि बहुत सारे साथियों का आँख में प्रॉब्लम हो जाता है, तो आँख को बिल्कुल सेफ रखें। और ईयर हेडफोन कम यूज़ करें ताकि आपका ईयर भी अच्छा रहे, और सुबह टाइम रनिंग करें। सुबह टाइम रनिंग करने के लिए हमारा सांस प्रश्वास बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश हो जाता है, तो आपका नाक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत सारे साथियों का चेस्ट नहीं है, तो चेस्ट के लिए भी आप पुशअप करें, पुलअप करें, अब जो भी हाइट नहीं है तो हाइट के लिए भी पुलअप करें, एक्सरसाइज मेरे चैनल में ऑलरेडी है। तो मेडिकल टेस्ट में इस टिप्स को ही ज़्यादा बुलाया जाता है, और हमारे लेग के लिए लेग का नाखून ये बिल्कुल आपका सेफ रहेगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका जो स्कैनिंग होगा एक्सरे, उसमें भी हमारे बॉडी का अगर रनिंग करते हैं तो आपका एक्सरे बहुत ही अच्छा रहेंगे। और हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी में होता है बहुत सारे बंदों का, कि वो नदी के बाली में दौड़ लेते हैं, फिर आपका सिम पेंस ज़्यादा हो जाता है, यही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है सब साथियों के लिए। तो रिम मेडिकल में ही बहुत सारे साथियों का पोस्ट कर दिया, अगर आप में हाइड्रोसील या आपका जो इसमें गोपनीय अंग में आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर से ज़्यादा इलाज करें। अगर आपके दिमाग पर कुछ है कि मेरा इस शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से जल्दी सलाह लो, क्योंकि फिजिकल अभी शुरू होने वाला है, फिजिकल के बाद मेडिकल में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, तो टाइम के मेंटेन करो और अपना रनिंग भी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यायाम करो, फिटनेस रहो शरीर में, ताकि आपका कोई भी मेडिकल टेस्ट में परेशानी ना आए। तो मेडिकल के लिए एक बात हमेशा याद रखना होगा कि आप फिटनेस ही ज़्यादा रहे, फिटनेस रहने के लिए आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम होता तो आप जल्दी से डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि मुझे मार्च जाना है, अपने ग्राउंड पर जाना है, रनिंग करना है। अगर आप में बुखार है, बीमार है, तो आप बिस्तर से रह जाएंगे, लेकिन ऐसा ना करके आप डेली ग्राउंड पर जाना, यही सबसे बड़ा मेडिकल टेस्ट है। ठीक है साथियों, मेडिकल के लिए एक वीडियो हमने पोस्ट करने के लिए सोचा था, एक बंदे भी तो मुझे कमेंट किया कि सिम्स पेंस लेग में हमारा हो जाता, तो मेडिकल के लिए कुछ बताइए सर, तो उसके वीडियो के लिए मैंने ये टिप्स दिया, ज़रूर देखना, और डेली अपने ग्राउंड पर जाना, आपका मेडिकल टिप्स अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड में हमारा शिव जी बसते हैं, तो ग्राउंड जो भी जाएंगे शिव जी उसे निराश नहीं करेंगे। जय हिंद। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और लेग के एक्सरसाइज ज़्यादा करें, क्योंकि सीन पेंस यदि कोई भी साथियों का हो जाता तो आप धीरे धीरे थोड़ा रनिंग करें, धीरे धीरे रनिंग करने के बाद आपका जो सीन पेंस हो जाता उसे डॉक्टर दिखाइए, आपका लेग को ऑलरेडी फ्री रखना है, क्योंकि हमें फिजिकल के लिए अभी तैयारी तो करना पड़ेगा, यही तो हमारा सबसे बड़ी बात है। अगर आप में ज़्यादा कोई भी चोट आ गई फिजिकल के लिए, तो चोट को भी आप डॉक्टर से दिखाइए और जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए कह दो, क्योंकि हमारा मेडिकल बहुत ही अच्छा होने वाला है इस बार। और मेडिकल टिप्स में एक अच्छा बात हम बोलूँ कि आप थोड़ा रनिंग कर लो, और रनिंग करने के बाद लेग का एक्सरसाइज ज़्यादा कर लो, ठीक है, ऐसे करके आप, अगर लड़की हो तो उसके लिए भी ये मेडिकल टिप्स के बारे में मैंने वीडियो कर दिया। अगर हाइट नहीं है तो मैंने बोला था कि एक क्या बोलती है उसे, जो लाप दौड़े को लेकर इस तरह जंप करें, तो इसमें हाइट ज़्यादा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारा है रनिंग करने के BSF CRPF जितने भी सारे रनिंग के 5 किलोमीटर टिप्स है उसको भी आप फॉलो करें, और लेग का एक्सरसाइज ज़्यादा करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी ड्यूटी पर जाना है तो रेडी होना है, आज बस इतना ही, शाम 5 बज गए। जय हिंद।